हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी वन में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीके एंड जीएस के कन्फ्यूजन्स पॉइंट का, जो हमारा सीरीज चल रहा है उसके पार्ट सिक्स के बारे में। ठीक है, ये हमारा पार्ट सिक्स हो चुका है। इसके पहले मैंने ऑलरेडी आपको 5 पार्ट कम्प्लीट कराया है, जिसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट करीब करीब 13 से 14 कन्फ्यूजन्स पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कराए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। जहाँ पहले आप कन्फ्यूज़ हुआ करते थे ना, अब आप उस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। और इस वीडियो में आपको 2 कन्फ्यूजन पॉइंट बताने वाला हूँ। जैसा कि पहला मैं बात करूँगा कि वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम कब हुआ था, वन अधिनियम कब लगा था और वन्य संरक्षण अधिनियम कब लगा था। ये देखिए, तीनों बोलने में थोड़ा सा आपको लगा होगा कि ये यार क्या कन्फ्यूज़न वाली बात बोल रहे हो। ठीक है, तो ये कन्फ्यूज़न बात करेंगे। और दूसरा पॉइंट हम लोग बात करेंगे कि पोंग बांध किस नदी पे है और थीम बांध किस नदी पे है, इसका कन्फ्यूज़न मैं आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए अगर आपको ये कन्फ्यूजन्स जानना है तो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रख लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की और भी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा कन्फ्यूजन पॉइंट आपके लिए किस तरह यूजफुल होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि वन अधिनियम कब लगा था और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लगा था और वन संरक्षण अधिनियम कब लगा था। तो देखिए फ्रेंड्स, वन अधिनियम जो था आपका 1927 ईस्वी में हुआ था और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो था 1972 में हुआ था और उसके बाद वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लगा था। लेकिन अब मेन बात आती है कि हम लोग इसको याद कैसे रखेंगे। तो देखिए, उसके लिए मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूँ, उस सेंटेंस को आप ध्यान से सुनिएगा और आपका कन्फ्यूज़न एक बार में ही क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं क्या किया कि मैं वन में गया, यानी कि जंगल में गया, और वहाँ पर मैंने क्या देखा कि कुछ वन्य जीव लोगों को देखा, यानी कि जो जंगल में जो जीव होते हैं उनको मैंने देखा। सबसे पहले मैं वन में गया और वहाँ का वन्य जीव लोगों को मैंने देखा, और फिर मेरे दिमाग में एक विचार आया कि मैं क्यों ना इन पूरे वन का संरक्षण करूँ, ताकि जो जीव हों वो संरक्षित रह सके। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या बनता है, वन में जाना है, उसके बाद वन्य जीव को संरक्षण करना है और उसके बाद आपके पूरे वनों को संरक्षण करना है। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले वन, यानी कि वन अधिनियम 1927, और उसके बाद आपका वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम था 1972, और उसके बाद आपका आता है वन का संरक्षण, यानी कि पूरे वन का संरक्षण 1980 में हुआ था। तो अगर आप ये एक लाइन याद रखते हैं तो ये आपका तीनों कन्फ्यूजन्स पॉइंट हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। ठीक है, पहले वन में जाना है, उसके बाद वन जीव को देखना है और उसके बाद आपका पूरे वन को आपको संरक्षण करना है, ताकि अंदर के जो जीव है वो मरे ना या फिर उनको कोई नुकसान ना हो। तो इस तरह से अगर आप याद रख लेते हैं तो कन्फ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे और हमारे देखते हैं कि नेक्स्ट जो पॉइंट है वो किस प्रकार हमें कन्फ्यूज करता है। तो फ्रेंड्स, ये बनता है कि पोंग बांध जो है वो किस नदी पर है और आपका थीन बांध है वो किस नदी पर है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि पोंग बांध जो है वो आपका व्यास नदी पे आता है और थीन बांध आपको रावी नदी पे आता है। और आपको मैं गारंटी देता हूँ कि कहीं ना कहीं आप इस पर जरूर कंफ्यूज होते होंगे। अगर आपने रट्टा मारकर याद कर भी लिया है तो अच्छी बात है, लेकिन कभी ना कभी आप जरूर थोड़ा सा सस्पेंस होते होंगे। ठीक है, तो इस सस्पेंस को मैं दूर करने के लिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जिसको आपको जरूर से ज़रूर देखना होगा और इसको अच्छे से आपको समझना होगा। देखिए, एक चीज़ तो आपको याद ही होगा ही, जो कि आपका आदर्श गैस का जो समीकरण होता है PV = nRT, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, सबको पता होगा जो केमिस्ट्री में ये फॉर्मूला होता है कि PV = nRT। ठीक है, एन जो होता है कॉन्स्टेंट होता है, तो यहाँ पर आपको एन को कोई भी ध्यान में नहीं रखना, ये नेग्लेक्ट कर देना है। ठीक है, बस मैंने आपको सूत्र याद करने के लिए बताया था कि PV = nRT। अब देखिए, मैं आपको ये ट्रिक कैसे समझाता हूँ। देखिए, पी का मतलब मैं आपको बताता हूँ पोंग बांध। ठीक है, और आपका जो वी होता है, वी का मतलब हो गया आपका व्यास नदी, तो जो पोंग बांध है वो व्यास नदी पर है। और आर टी का मतलब आपका हो जाता है आर, मतलब ठीक है रावी नदी, और ये आपका जो थीन हो गया टी से थीन। तो इस तरह से आप याद रख लेते हैं, मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ। देखिए, पी का मतलब हो गया आपका पोंग बांध, मैं आपको बताता हूँ, और यहाँ पर वी का मतलब हो गया व्यास नदी, और जो ये आपको मैंने एन जो बताया वो आपको नेग्लेक्ट कर देना है, यहाँ पर इसका कोई वैल्यू नहीं है, बस PV = nRT जो फॉर्मूला होता है मैंने आपको वो बताया था। अब देखिए, आर का मतलब यहाँ होता है रावी नदी, तो ये आपको ध्यान रखना है कि रावी नदी हो गया, और जो थीन होता है जो टी से थीन बांध हो गया, यहाँ से आप इसको मैच करा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना आसानी से आप याद रख सकते हैं कि PV = nRT जो कि गैस का समीकरण होता है, और इसी के माध्यम से आपने ये भी याद कर लिया कि पोंग बांध किस नदी पर है, थीन बांध किस नदी पर है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपके पास इससे भी बेटर कोई मेथड है याद करने का तो वो हमारे साथ जरूर शेयर करें ताकि आपकी नॉलेज को हम अपने जितने भी व्यूवर्स हैं उनके पास पहुँचा सकें। तो मिलते हैं इसी प्रकार के किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।